वेलकम फ्रेंड्स, निर्माण जी एस अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि लगातार हम वीडियो के सेशन को देख रहे हैं, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ जो भी है हम सॉल्व कर रहे हैं, और जो भी समस्याएं हमको सामने अगर आपके आती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आज हम देखते हैं कि हमारा भारतीय दर्शन, इतिहास विषय को लेकर के हमने एक टॉपिक निकाला है जिसमें दार्शनिक मत एवं उनके प्रवर्तक इत्यादि की हम जानकारी लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लगभग 30 क्वेश्चन रहेंगे, रोजाना की तरह 7 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा और उसके बाद जो है उसका आंसर बताया जाएगा। आपको लाइव चैट में जा कर के इसके आंसर करने हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी मीमांसा, ऑप्शन सी वैशेषिक या ऑप्शन डी चार्वाक। जल्दी आंसर करें, मैं हाइलाइटर ले लेता हूं ताकि आपको जो है इसका आंसर भी बता सकूं। जल्दी आंसर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सांख्य, ठीक है ना। देखिए कैमरा जो है यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा। मैं फिर से कोशिश करता हूँ कैमरे को ले आऊँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अपना स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है, ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी मीमांसा, ऑप्शन सी वैशेषिक या ऑप्शन डी चार्वाक। जल्दी आंसर करें, इसका सही आंसर क्या है। आपके पास 7 सेकंड का समय है। जैसा कि कोने में आप मेरी प्रोफाइल, मेरी फोटो देख पा रहे होंगे, मैं आपके सामने लाइव जो है एक छोटा सा कैमरा यहाँ पे वेब कैम लगा के बैठा हूँ। रोजाना ये शिकायत होती है कि सर सामने नहीं रहते हैं लेकिन क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सांख्य। इसका भी आंसर क्या है, सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत का प्राचीनतम दर्शन है, ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी वैशेषिक, ऑप्शन सी सांख्य, ऑप्शन डी योग। जल्दी आंसर करें, इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सांख्य, ठीक है ना। सांख्य को भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है, ऑप्शन ए गौतम द्वारा, ऑप्शन बी जैमिनी द्वारा, ऑप्शन सी कपिल द्वारा, ऑप्शन डी पतंजलि द्वारा। जल्दी आंसर करें, चलिए दोस्तों आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कपिल, ठीक है ना। तो सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, कपिल द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी जैमिनी। ये तो सीधी सी बात है, आपको इसका आइडिया होगा, योग दर्शन, योग कौन करवाते हैं इस समय पे, कौन से बाबा हैं और बाबा के प्रोडक्ट का नाम भी क्या है, ये लगभग आप जानते होंगे। तो इस अंदाजे से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको स्वयं देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी माधवाचार्य या ऑप्शन डी निम्बकाचार्य। जल्दी आंसर करें,
वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। एक्चुअल में जो कमेंट होता है ना, वो मैं कमेंट ऑनलाइन मोबाइल में देखता हूँ। क्या है, जिस समय पे पीडीएफ चलता रहता है उस समय पे हम यूट्यूब दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते, ठीक है ना। मल्टी यूज़र सिस्टम तो है, बट एक साथ बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, निम्ब का चारे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। मैं कैमरा थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। प्रतिपादित किया था, ऑप्शन ए द्वैत वेदांत, ऑप्शन बी द्वैताद्वैत, ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैत, ऑप्शन डी अद्वैत। जल्दी करें। बताएं दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अद्वैत, ठीक है। अद्वैत इसका सही आंसर है। शंकराचार्य जी द्वारा जो प्रतिपादित किया गया सिद्धांत था वो अद्वैत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है। ऑप्शन ए अद्वैतावाद, ऑप्शन बी वैशेषिक, ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैत, ऑप्शन डी द्वैतावाद। जल्दी बताएं, कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है। अद्वैतवाद, वैशेषिक, विशिष्टाद्वैत या द्वैतवाद। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विशिष्टाद्वैत, विशिष्टताद्वैत। ये जो है वेद दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य या ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। जल्दी आंसर करें, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य। आवाज तो मेरी प्रॉपर आ रही ना, ठीक है। चलिए, चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामानुजाचार्य, ठीक है ना। ये मैंने हाईलाइट कर दिया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य दर्शन या न्याय दर्शन। जल्दी आंसर करें दोस्तों इसका, क्योंकि इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं अभी शुरू में, स्टार्टिंग के तीन क्वेश्चंस जो है कपिल मुनि से जुड़े हुए थे। अगर आपको ध्यान होगा तो आप इसका आंसर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सांख्य दर्शन, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके ये रहा कि पतंजलि का संबंध है किससे, संबंध है योग दर्शन से, सांख्य दर्शन से, न्याय दर्शन से, वैशेषिक दर्शन से। आंसर आपको इसका स्वयं देना है। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैंने हिंट भी दी थी, उसका आंसर भी आपको देना है, इसका आंसर भी आपको देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है। ऑप्शन ए सांख्य दर्शन से, ऑप्शन बी योग दर्शन से, ऑप्शन सी न्याय दर्शन से या ऑप्शन डी वैशेषिक दर्शन से। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन या वैशेषिक दर्शन।
चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर बता दो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्याय दर्शन। ठीक है, तो महर्षि गौतम का संबंध किससे है? न्याय दर्शन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर आपको स्वयं देना है। इसका रीजन, ये लगभग 5वीं बार ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको खुद ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानुजाचार्य का संबंध किससे है, यानी वह किससे संबंधित है, बताएं जरा। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अद्वैतवाद, ऑप्शन बी द्वैतवाद, ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैत, ऑप्शन डी एकेश्वरवाद। कैमरा फिर ऑफ हो गया शायद। चलिए, चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मार्कर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी विशिष्टा द्वैत। ठीक है, रामानुजाचार्य विशिष्टा द्वैत से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, गलत आपको फाइंड करना है। ऑप्शन ए योग सूत्र पतंजलि, ऑप्शन बी काम सूत्र वात्सायन, ऑप्शन सी न्याय सूत्र गौतम, ऑप्शन डी गीता रहस्य गांधी जी। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। देखिए, योग सूत्र पतंजलि बिल्कुल सही है, काम सूत्र वात्सायन ने लिखी है बिल्कुल सही है, न्याय सूत्र गौतम ने लिखी ये क्वेश्चन आ चुका है, गीता रहस्य वाला ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है आपका, गलत। गीता रहस्य किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही आंसर है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? बहुत ही अच्छा इनका नाम है, आप जानते हैं इनके बारे में। ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी केशवचंद्र सेन। तो बताएं इसका सही आंसर क्या है। अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या केशवचंद्र सेन। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके ये रहा, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। जैन, बौद्ध, शैव, हिंदू। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग किसमें बताए गए हैं? बौद्ध धर्म में बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, जैमिनी वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं, ठीक है ना? सॉरी, ये यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक मिनट बता रहा हूँ, ये अगर आप काट दीजिए। हाँ, क्वेश्चन को आप पढ़िए। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं,
ऑप्शन ए चार्वाक, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी गणाद, ऑप्शन डी कपिल। बताइए। वैशेषिक दर्शन पढ़ा होगा आपने, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? चार्वाक, गौतम, गणाद, कपिल। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कणाद। कणाद को वैशेषिक दर्शन का प्रणेता माना जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, तो देखें, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी जैमिनी। बताएं। अभी लगभग 16 मिनट 28 29 टाइमिंग भी चल रहा है। देखिए, बताइए मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे कहा जाता है? चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैमिनी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है, बढ़ो भाई, क्वेश्चन क्यों नहीं बढ़ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए कपिल, सॉरी ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी बाद नारायण, ऑप्शन सी चार्वाक, ऑप्शन डी रामानुज। दोस्तों ये पॉइंट जो है ना, ये गलती से लग गया है यहाँ पे टिक, इसको भूल जाना है। ठीक है, वो परमानेंट हो गया, इसलिए अपन सॉफ्टवेयर से कोई छेड़खानी नहीं करते। थोड़ा बहुत अगर दिक्कत आ गई तो फिर पूरा जो है सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इसलिए बड़े समय बाद में आपके सामने, देखिए आपके सामने आया हूँ, सामने आपको दिख रहा हूँ ना, उसका रीज़न ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद इसका टेक्निकल इशू दूर हो पाया, और इन्हीं सब टेक्निकल को दूर करने के लिए पूरा दिन जो है सुबह से शाम लग जाती है इन सॉफ्टवेयर एरर्स को दूर करने के लिए। ठीक है, चलिए, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल, बादनारायण, चार्वाक, रामानुज। आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चार्वाक। ठीक है ना, चार्वाक इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों इसको जो है रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए मैत्रेयनाथ, ऑप्शन बी माध्वाचार्य, ऑप्शन सी रामानुज, ऑप्शन डी नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मैत्रेयनाथ, माध्वाचार्य, रामानुज, नागार्जुन। चलिए दोस्तों, वीडियो बीच में ही रोकना पड़ा था, अभी बताएं। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रामानुज, शंकराचार्य, माध्वाचार्य, नंबकाचार्य। आंसर ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी राघु लोभद्र। राघु लोभद्र, बताएं जल्दी आंसर करें। उपाली, आनंद, माखली गोसाल, राघु लोभद्र। चलिए